कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। कह रहा है कि कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके अंदर नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। क्या वो नेक्स्ट टर्म होगी इन सीक्वेंसेस के अंदर, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे। यहां दे रखा है 2, 6, 12 एंड 20। कह रहा है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो यहां पे देखिए, हम देख लेते हैं इनके बीच में कितना गैप है। तो यहां से देखिए, 2 के अंदर कितना ऐड करेंगे, 6 बने, तो यहां पे करेंगे 4 ऐड। देखिए 6 बन गया। फिर उसके बाद 6 में कितना ऐड करेंगे, 12 बने, तो प्लस का 6 करना पड़ेगा। अब देखिए 12 के अंदर कितना ऐड करेंगे, 20 बने, तो प्लस का 8 कर देंगे। अब देखिए यहां से हमें दिखाई दे रही है, पहले 4 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, इनकी इनके अंदर भी 2 इंक्रीज कर दिए इसने। तो अब क्या आएगा नेक्स्ट जो ऐड करना पड़ेगा हमें, वो करना पड़ेगा 10। तो देखिए 10 ऐड करते क्या बन जाएगी, तो 10 ऐड करते 20 प्लस 10 कितना बन जाएगा, 30 के इक्वल। ये 30 इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्या दे रखा है, 1, 5, 13, 29। कह रहा है कि नेक्स्ट क्या आएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए 1 से 1 के अंदर कितना ऐड करें कि 5 बने, तो 4 ऐड करेंगे। अब देखिए 5 के अंदर कितना ऐड करें कि 13 बने, तो प्लस का 8 करेंगे। अब देखिए 13 के अंदर कितना ऐड करें कि ये बन जाए 29 के इक्वल, तो यहां पे हम ऐड करेंगे 16। देखिए 16 ऐड करते 29 बन रहा है। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या ऐड करेंगे कि नेक्स्ट सीक्वेंस हमें मिल जाए, नेक्स्ट नंबर हमें मिल जाए। तो देखिए यहां से 4 था, फिर 8 था, 4 को इसने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो कितना बना, 8 के इक्वल। अब 8 को इसने मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, तो कितना बना, 16 के इक्वल। अब 16 को हम किससे करेंगे, 2 से, तो क्या बनेगा, 16 2 जा 32 के इक्वल। अब देखिए तो यहां पे क्या ऐड करना पड़ेगा, 32 ऐड करना पड़ेगा। जब 29 के अंदर 32 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा कितना, 61 के इक्वल, और 61 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों, 3, 6, 11, 18 एंड 27। कह रहा है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए 3 के अंदर कितना ऐड करेंगे, 6 बने, तो यहां से हम प्लस कर देंगे 3, तो 6 बन जाएगा। अब 6 के अंदर कितना ऐड करें कि 11 बने, तो यहां पे करना पड़ेगा 5 को ऐड। अब देखिए 11 के अंदर कितना ऐड करें कि ये 18 बने, तो यहां से ऐड करना पड़ेगा 7। अब यहां से 18 के अंदर कितना ऐड करें कि ये बन जाए 27 के इक्वल, तो यहां से 9 ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट के अंदर क्या ऐड करेंगे हम, तो यहां से देखिए पहले 3 ऐड किया, फिर 2 ऐड करके 5 ऐड किया, फिर 2 ऐड करके 7 ऐड किया, फिर 2 ऐड करके 9 ऐड कर, तो अब क्या आएगा, तो प्लस करना पड़ेगा हमें 11। तो देखिए 11 जब ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 27 के अंदर 11 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 37 प्लस 38, ये बन गया 38, और 38 इसका आंसर हो गया। अब देखिए फोर्थ पार्ट देखिए, यहां से क्या दे रखा है, 2, 5, 11, 23, और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए 2 के अंदर कितना ऐड करें कि ये 5 बन जाए, 3 ऐड कर देंगे। अब 5 के अंदर कितना ऐड करें कि 11 बने, तो 6 ऐड कर देंगे। अब यहां से देखिए 11 के अंदर कितना ऐड करें कि 23 बन जाए, तो यहां से किया है प्लस 12 ऐड करेंगे तो 23 बन जाएगा। तो बताओ नेक्स्ट क्या ऐड करें कि यहां पे जो नंबर निकल जाए, तो यहां से क्या ऐड करेंगे, पहले 3, फिर 3 2 जा 6 ऐड किया, 6 2 जा 12 ऐड किया, अब 12 2 जा 24, तो प्लस 24 ऐड करेंगे इसके अंदर। जब 24 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 और 7 47 के इक्वल, ये बन जाएगा 47 के इक्वल, ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट है दोस्तों, 1/2, 3/4, 7/8, 15/16 एंड नेक्स्ट टर्म क्या आएगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 के अंदर क्या ऐड करें कि 3/4 बन जाए, तो यहाँ पे हमें ऐड करना होगा 1/4 को। जब 1/4 इसके अंदर ऐड करते 3/4 बन जाता है। अब 3/4 के अंदर कितना ऐड करें कि वो 7/8 बन जाए, तो यहाँ ऐड करेंगे 1/8 को, तो ये बन जाएगा 7/8 के
इक्वल। अब 7/8 के अंदर क्या ऐड करें कि ये 15/16 बन जाए, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/16 को, तो ये बन जाएगा कितना 15/16। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगला क्या ऐड करें कि नेक्स्ट टर्म आ जाए। तो देखिए यहाँ से 1/4, फिर 1/8, 4 2 8, फिर 1/8 से 1/16, 8 2 16। अब क्या आएगा, 1/16 आ गया, तो 16 2 32, तो यहाँ पे आएगा कितना, प्लस कर देंगे 1/32। तो देखिए क्या वैल्यू बनेगी, यहां से बनेगी 31/ में कितना 32, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट पर। तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है, -1, 1/2, -1/6 और 1/24, और नेक्स्ट टर्म क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहां से एक बार प्लस आ रहा है तो एक बार माइनस आ रहा है। देखिए -1 के अंदर कितना ऐड करें कि 1/2 आ जाए, तो यहां से हम ऐड करेंगे प्लस का 3/2। देखिए प्लस प्लस करेंगे 3/2, तो क्या बन जाएगा 1/2 के इक्वल बन जाएगा। अब देखिए यहां से हमें चाहिए अगली वैल्यू किसमें, नेगेटिव माइनस के अंदर, तो यहां कितना है 1/2। अब 1/2 में से कितना माइनस करें कि -1/6 आ जाए, तो यहां से हम करेंगे माइनस कितना, -4/6 कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए -1/6 है, उसको हमें कन्वर्ट करना किसमें, प्लस के अंदर, तो देखिए क्या ऐड करें कि यहाँ पे 1/24 बने, तो यहां से हम ऐड करेंगे 5/24। जब 5/24 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 1/24 के इक्वल। अब यहां से देखिए अगली टर्म क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि यहाँ पे जो वैल्यू आए वो नेगेटिव के अंदर आनी चाहिए पहली बात तो, और दूसरी देखिए हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको, देखिए यहां से हम ऐड कर देंगे कैसे, यहाँ 3 था, फिर 4 हुआ, फिर 5, तो अब अगला क्या आएगा 6 आएगा, फिर देखिए प्लस है माइनस है प्लस है, तो अगला क्या आएगा माइनस आएगा। अब देखिए नीचे की वैल्यू कैसे लेके आएंगे, यहां से देखिए 2 3 जा कितना हुआ 6 6 4 जा 24, अब 24 5 जा कितना होता है 120, तो 120 आएगा यहाँ पे। तो देखिए माइनस का 6/120 करेंगे तो कितना आएगा, यहां से आंसर आ जाएगा माइनस का 1/120। देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, क्या दे रखा है देखिए, राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स, कह रहा है कि हमें लिखनी है पहली 4 टर्म्स हमें लिखनी है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ये जो सीक्वेंसेस दे रखी हैं इनके अंदर प्रत्येक की फर्स्ट 4 टर्म्स हमें लिखनी है, हुज nth टर्म्स आर, जिसकी nth टर्म जो है वो दे रखी है हमें गिवन। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हमें चाहिए क्या फर्स्ट 4 टर्म्स, तो यहां से हम पहली निकालेंगे तो क्या निकालेंगे a1 होती है फर्स्ट टर्म, तो यहां से देखिए n की जगह हमने क्या रख दिया 1, तो यहां पे n की जगह क्या रख देंगे 1। तो देखिए a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 1, कितना बन गया 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस में 1, कितना हो गया 2 के इक्वल, ये हो गया। अब निकाल देते हैं a2 इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए n की जगह हम 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर प्लस में 1, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस में 1, कितना हो गया 5 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं a3, तो इसमें क्या करेंगे n की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस में 1, कितना होता है 9 प्लस 1, कितना हो गया 10 के इक्वल। अब फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं a4, तो a4 में क्या करेंगे n की जगह 4 रखना है, तो 4 रखेंगे तो कितना बनेगा 4 का स्क्वायर प्लस में 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17। तो यहां से देखिए फर्स्ट 4 टर्म्स क्या बन गई, एक तो बन गया 2, फिर बन गया 5, फिर बन गया 10 और फिर बन गया 17, ये फर्स्ट 4 टर्म्स निकल करके आ गई। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, क्या दे रखा है देखिए, ए एन इज इक्वल टू दे रखा है 2n² - 3n+1। तो यहां से फर्स्ट टर्म निकालेंगे a1 निकालेंगे हम, तो यहां पे a1 निकालने के लिए क्या करते हैं n की जगह 1, तो 2 × 1² - 3 × 1 और प्लस में 1। तो देखिए यहां से क्या बन गया, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस में कितना 3 और प्लस में 1, तो कितना बन गया ये बन गया 2 + 1 3, 3 - 3 कितना हो गया 0 के इक्वल। अब a2 निकाल लेते हैं, a2 कितना आएगा 2 और n की जगह 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस में 3 × 2
और प्लस में 1, तो क्या बनेगा देखिए यहां से 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 टू जा 8, 8 और यहां से कितना आएगा ये 8 हो गया और माइनस में आएगा 3 टू जा 6 और प्लस में कितना आएगा 1, तो यहां से बन गया 4, 4 1 कितना हो गया 5 के इक्वल, ये बन गया 5। अब ए 3 निकाल लेते हैं, तो ए 3 क्या आएगा देखिए 2 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में 3 और प्लस में 1, ये आ गया। अब यहां से देखिए 3 3 जा कितना होता है 9 और 9 2 जा 18, ये बन गया 18। अब यहां से माइनस का 9 और प्लस का 1, तो ये क्या बन गया 18 माइनस 9 बन गया 9, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 के इक्वल। अब ए 4 निकाल लेते हैं, तो ए 4 कैसे निकलेगा 2 इंटू में 4 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में 4 प्लस में 1, तो क्या बनेगा 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32 और माइनस में कितना करेंगे 4 3 जा 12, तो माइनस का 12 हो गया और प्लस में 1 हो गया, तो कितना बच गया ये बच गया यहां से 20, 32 माइनस 12 करेंगे 20 और 1 21। तो यहां से देखिए फर्स्ट फोर टर्म्स क्या आ गई, तो वो आ गई यहां से 0 आ गई पहली और दूसरी 5, तीसरी 10, फोर फोर्थ क्या आ गई वो आ गई 21 के इक्वल, तो ये फर्स्ट फोर टर्म्स निकल गई, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों, ए एन इज इक्वल टू दे रखा है 3n माइनस 2 अपॉन 5 के इक्वल, तो यहां से क्या करेंगे a1 निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो a1 निकालेंगे, तो a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और n की जगह क्या करेंगे 1 माइनस में 2 अपॉन में 5, तो देखिए क्या बन गया 3 1 जा 3 माइनस 2 कितना हुआ 1 के इक्वल, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 के इक्वल, तो 1 अपॉन 5, फर्स्ट टर्म क्या आ गई 1 अपॉन 5 के इक्वल। अब सेकंड टर्म निकाल लेते हैं a2, तो a2 कितना बनेगा 3 और n की जगह 2 माइनस में 2 अपॉन में 5, तो देखिए क्या बनेगा 3 2 जा 6 बन गया, 6 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा 4, तो 4 अपॉन 5 के इक्वल, ये आ गया। अब निकाल लेते हैं a3, तो a3 कैसे निकलेगी थर्ड टर्म वो कैसे निकलेगी 3 इंटू में 3 माइनस में 2 अपॉन में 5 आएगा, तो यहां से देखिए 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा 7 के इक्वल और 7 अपॉन 5, देखिए a3 आ गई 7 अपॉन 5 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं a4 फोर्थ टर्म, तो देखिए क्या बनेगा यहां से बनेगा 3 इंटू में 4 माइनस में 2 अपॉन में 5, तो यहां से कितना बनेगा देखिए 12 हो गया 3 4 जा और 12 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा 10 और 10 अपॉन 5, तो 5 को करेंगे कैंसिल कितने पे 2 पे, तो ये कितना आ गया 2 के इक्वल। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या आ गई 1 अपॉन 5 के इक्वल, सेकंड टर्म क्या आई 4 अपॉन 5 के इक्वल, थर्ड टर्म क्या आई 7 अपॉन 5 के इक्वल और जो फोर्थ टर्म है वो कितने आ गई 2 के इक्वल, ये आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। देखिए क्या दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू दे रखा है एन इंटू एन स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन में 3 के इक्वल, तो यहां से क्या करेंगे ए वन निकाल लेंगे, ए वन कैसे निकलेगा एन की जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू में कितना 1 का स्क्वेयर 1 के इक्वल प्लस में 2 अपॉन में कितना 3, तो देखिए क्या बन गया यहां से पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 और 3 अपॉन 3, तो कितना आएगा ये 3 अपॉन 3, ये बन गया 1 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं a2 यानी सेकंड टर्म वो कैसे निकलेगी, n की जगह क्या रख देंगे 2, तो देखिए 2 रखा इंटू में 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन में कितना 3, तो कितना बनेगा देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 प्लस में 2 कितना हो गया 6 के इक्वल और 6 को कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 अपॉन 3, अब देखिए 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो ये कितना आ गया 4 के इक्वल। अब a3 टर्म निकाल लेते हैं क्या निकलेगा, देखिए n की जगह रख देंगे 3 को, तो n कितना आएगा 3, यहां से आगे कितना 3 का स्क्वायर और प्लस में 2 और अपॉन में कितना आएगा अपॉन में आएगा 3, तो यहां से देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस में 2 करेंगे कितना हो गया 11, अब 11 को 3 से करेंगे कितना आएगा 33 अपॉन में कितना करें 3, तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 3 1 जा 3 कितना आ गया 11 के इक्वल। अब a4 फोर टर्म निकाल लेते हैं क्या आएगा, n की जगह 4 रखेंगे तो 4 और 4 का स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन में कितना 3, तो यहां से क्या बनेगा देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 16 प्लस में 2 कितना हो गया 18 और 18 4 जा कितना होगा
18 4 72 के इक्वल। अब कर देंगे डिवाइड किसने, 3 से, तो 3 1 3 और यहां से 3 2 6, 1 चला गया 12 हो गया, 3 4 12 कितना आ गया 24 के इक्वल। तो देखिए यहां से फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 1 के इक्वल, सेकंड आ गई 4 के इक्वल, थर्ड आ गई 11 के इक्वल और फोर्थ आ गई 24 के इक्वल और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू दे रखा है 3n अपॉन में n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो यहां से देखिए फर्स्ट टर्म निकालेंगे a1, तो a1 कितना बनेगा, n की जगह 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 और अपॉन में कितना आएगा, n की जगह 1 तो 1 प्लस 1 और मल्टीप्लाई में कितना 1 प्लस 2 ये आ गया। तो यहां से देखिए क्या बन जाएगा, 3 1 3 और नीचे कितना आएगा, ये बन गया 1 प्लस 1 2 के इक्वल और ये कितना बनेगा 2 प्लस 1 3 के इक्वल और 3 से 3 कैंसिल कितना आया, ये आया 1 अपॉन 2 के इक्वल। अब देखिए सेकंड टर्म निकाल लेते हैं a2, तो a2 कितना बनेगा, देखिए यहां से बनेगा 3 इंटू में 2 रखेंगे, अब देखिए n की जगह कितना 2 प्लस में 1 और इंटू में देखिए n की जगह 2 रखना है तो 2 प्लस 2 क्या बन गया, देखिए 3 2 6 बन गया और नीचे कितना बनेगा 2 प्लस 1 3 और मल्टीप्लाई में 2 प्लस 2 4 ये बन गया। तो यहां से देखिए 3 1 3 3 2 6 और 2 1 2 2 2 4 कितना आया, ये भी आ गया 1 अपॉन 2 के इक्वल। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, तो a3 देखिए क्या बनेगा, तो यहां से a3 थर्ड टर्म बनेगी 3 इंटू में 3 से और नीचे कितना बनेगा, देखिए यहां से n की जगह 3 रख रहे हैं ना हम, तो कितना आएगा 3 प्लस 1 और इंटू में कितना आएगा 3 प्लस 2 के इक्वल। अब यहां से क्या बनेगा, देखिए 3 3 का क्या बन गया 9 या फिर हम ऐसे कैसे लिखते हैं 3 इंटू 3 और डिवाइड में कितना है, देखिए 3 प्लस 1 4 के इक्वल और मल्टीप्लाई में 3 प्लस 2 5 के इक्वल ये बन गया। अब यहां से देखिए 3 3 9 ये कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्या बनेगा 3 3 9 और 4 5 20 तो ये बन गया 9 अपॉन 20 के इक्वल। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, देखिए a4 क्या बनेगी, a4 बनेगी यहां से 3 इंटू में क्या करते हैं 4 और डिवाइड में क्या बनेगा, देखिए 4 प्लस 1 के इक्वल और इंटू में क्या बनेगा, यहां से बनेगा 4 प्लस 2 के इक्वल। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 3 इंटू में 4 लिख देते हैं और डिवाइड में कितना बनेगा 4 प्लस 1 5 के इक्वल और मल्टीप्लाई में 4 प्लस 2 6 के इक्वल। तो यहां से ये कैंसिल, 3 1 3 3 2 6 और 2 से कैंसिल होगा 4 2 2 4 के इक्वल। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 अपॉन 5 के इक्वल। देखिए यहां से फोर टर्म्स निकल गई, फर्स्ट टर्म क्या आई 1 अपॉन 2 के इक्वल, सेकंड टर्म क्या आई वो भी 1 अपॉन 2 के इक्वल और थर्ड टर्म क्या आई वो आ गई 9 अपॉन 20 के इक्वल और फोर्थ टर्म क्या आ गई वो आ गई 2 अपॉन 5 के इक्वल ये आ गए। तो अब ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पर, देखिए क्या दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू दे रखा है 3 की पावर n-1 के इक्वल। तो देखिए यहां से हम निकालेंगे फर्स्ट टर्म यानी a1, तो क्या बनेगी 3, n की जगह रख देंगे 1 तो 1 माइनस 1 क्या बन गया, ये बन गया 3 की पावर 0 और समथिंग की पावर 0 होता है 1 के इक्वल। तो देखिए आप चलते हैं a2 के ऊपर यानी सेकंड टर्म, वो बन जाएगा कितना 3 और उसकी पावर n, n कितना कर दें 2 तो 2 माइनस 1 कितना आएगा, ये आ गया 3 की पावर 1 के इक्वल। तो कितना होगा 3 के इक्वल। अब चलते हैं इसकी थर्ड टर्म पर क्या आएगा, a3 निकालेंगे तो यहां से कितना आएगा 3 और n की जगह क्या रखें 3 3 माइनस 1 तो क्या बनेगा 3 की पावर 2 बन जाएगा, 3 माइनस 1 2 बन गया तो 3 की पावर 2 कितना होता है 9 के इक्वल। अब चलते हैं इसकी फोर्थ टर्म पर क्या बनेगा, देखिए 3 की पावर हो गई कितनी 4 माइनस 1 के इक्वल तो ये बन गई 3 की पावर 3 के इक्वल, कितनी होती है वो होती है 27 के इक्वल। तो देखिए फर्स्ट टर्म आ गई 1 के इक्वल, सेकंड आ गई 3 के इक्वल, थर्ड टर्म आ गई 9 के इक्वल और फोर्थ टर्म आ गई 27 के इक्वल और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके सेवंथ पार्ट पर। सेवंथ पार्ट देखिए दोस्तों, ए एन इज इक्वल टू दे रखा है -1 की पावर n इंटू में एन स्क्वेयर के इक्वल। तो देखिए क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं a1, a1 इज इक्वल टू देखिए -1 और n की जगह रखेंगे 1 तो इंटू में 1 का स्क्वेयर ये बन गया। तो यहां से देखिए -1 की पावर 1 कितना बना -1 के इक्वल और 1 का स्क्वेयर कितना होता है 1 के इक्वल, तो यहां से आंसर कितना आ गया -1 के इक्वल।
अब चलते हैं इसके सेकंड टर्म पर। देखिए a2, a2 इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, माइनस वन की पावर कितनी कर दें 2 और इनटू में 2 की पावर 2, तो देखिए क्या बन गया 2 की पावर 2 4 के इक्वल, और यहां से माइनस वन का जब स्क्वेयर करेंगे तो कितना बनेगा प्लस का 1, तो कितना आ गया आंसर 4 के इक्वल। अब देखिए थर्ड टर्म देखिए a3 क्या बनेगी, ये बनेगी माइनस वन की पावर कितनी 3 के इक्वल, और यहां से 3 का स्क्वेयर कर देंगे तो 3 का स्क्वेयर कितना होता है 9 के इक्वल, और यहां से माइनस वन की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा माइनस वन के इक्वल, तो आंसर किसमें नेगेटिव माइनस के अंदर कितना 9, माइनस 9 आ गया। अब देखिए a4 टर्म निकालेंगे तो क्या बनेगी, वो बनेगी देखिए माइनस वन की पावर कितनी 4 के इक्वल, और यहां से मल्टीप्लाई में 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 हो गई, तो यहां से देखिए क्या बनेगा 4 जा 16, और माइनस वन की पावर 4 करेंगे तो प्लस का 1 आ गया, तो यहां से कितना आएगा 16 के इक्वल प्लस 16। तो देखिए यहां से क्या आया, फर्स्ट टर्म आ गई माइनस वन के इक्वल, सेकंड आ गई 4 के इक्वल, थर्ड आ गई माइनस 9 के इक्वल, और फोर्थ आ गई 16 के इक्वल, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके एट्थ पार्ट पर, क्या दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू दे रखा है माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू में 5 की पावर एन प्लस 1 के इक्वल, तो यहां से ए वन फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, क्या आएगा माइनस वन की पावर एन, एन की जगह क्या करें 1, 1 माइनस 1 हो गया, तो यहां से देखिए 5 की पावर 1, एन की जगह 1 और प्लस में 1, तो देखिए क्या बन गया 5 की पावर कितनी बन गई 2 के इक्वल, तो 5 की पावर 2 कितनी होती है 25 के इक्वल, और यहां से देखिए 1 माइनस 1 0 हो गया, समथिंग की पावर 0 कितना होता है 1 के इक्वल, तो ये बना था 25, तो इसका आंसर कितना आ गया 25 के इक्वल। अब देखिए सेकंड टर्म देखते हैं इसकी a2, तो a2 क्या बनेगी देखिए यहां से कर देंगे माइनस 1 की पावर कितनी n की जगह 2, तो क्या आएगा 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 के इक्वल, तो कितना आएगा माइनस 1 के इक्वल। अब देखिए 5 की पावर कितनी करेंगे 2 है तो 2 प्लस में 1, तो देखिए 5 की पावर 3 कितनी हो गई, ये हो गया 125 के इक्वल, और यहां से कितना आया था, यहां से आया था माइनस 1 के अंदर, तो कितना आएगा माइनस का 125 के इक्वल, ये आ गया माइनस 125 के इक्वल। अब देखिए थर्ड टर्म निकाल लेते हैं a3, तो a3 क्या आएगा देखिए माइनस 1 की पावर कर देंगे कितनी n माइनस 1, तो n की जगह 3, तो 3 माइनस 1 2, ये तो यहां से पॉजिटिव आएगा। अब देखिए 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3 है ना, तो 3 प्लस 1 4 के इक्वल, तो कितना आएगा वो आएगा 625 के इक्वल, तो यहां से देखिए पॉजिटिव आएगा, तो 625 वो भी पॉजिटिव के अंदर ये आएगा। अब देखिए अब चलते हैं फोर्थ टर्म के ऊपर, वो कितनी आएगी, वो आएगी माइनस 1 की पावर कितनी कर दें यहां से कर देंगे 4 माइनस 1 के इक्वल, तो यहां से कितनी बनेगी 3 के इक्वल, जो कि नेगेटिव लेके आएगा। अब नेगेटिव आएगा तो यहां से देखिए 5 की पावर कितनी बन जाएगी 4 प्लस 1 के इक्वल, जो हो गई कितनी 5 के इक्वल। अब 5 की पावर 5 कितनी होती है, वो होती है 3125 के इक्वल, और यहां से देखिए वैल्यू कितनी आएगी, यहां से 4 माइनस 1 कर देंगे 3, तो नेगेटिव वैल्यू, तो ये देखिए माइनस के अंदर ये टर्म आएगी। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या आ गई 25 के इक्वल, सेकंड टर्म कितनी आ गई माइनस 125 के इक्वल, थर्ड टर्म आ गई प्लस 625 के इक्वल, और फोर्थ टर्म आ गई माइनस 3125 के इक्वल, और ये हमारा आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, कह रहा है कि जो इंडिकेटेड टर्म है वो हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, कह रहा है कि सीक्वेंसेस के अंदर हुज nth टर्म, जिनकी nth टर्म जो है ना वो गिवन है हमें, तो an दे रखा है कितना n इंटू एन प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन में 6 के इक्वल, तो इसकी हमें a tan वैल्यू निकालनी है। तो देखिए a tan निकालने के लिए हम पीछे भी निकाल चुके हैं, a1 a2 निकाले थे, तो यहां से a tan निकाल लेंगे, क्या करेंगे n की जगह क्या रखेंगे 10, तो यहां से देखिए क्या बन जाएगा, ये बन गया 10 और इंटू में कितना बनेगा 10 प्लस 1, और यहां बनेगा कितना 10 इंटू 2 और प्लस में 1, ये बन गया, और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है 6, तो देखिए क्या बनेगा यहां से, ये बन गया 10, ये तो हो गया 10 के इक्वल, और ये कितना बनेगा, ये बन गया 11, 10 प्लस 1 11, और ये कितना बनेगा 10 टू जो 20 प्लस 1 21 के इक्वल, और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है 6, तो देखिए यहां से कैंसिल कर देते हैं 3 पे, 3 टू जा 6, और ये कितना बना 37 जा 21, ये इतना बन गया। अब क्या करते हैं देखिए, यहां से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो 11 7 जा 77 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 770 के इक्वल और डिवाइड बाय कितना है 2। तो यहां से अब इसको डिवाइड कर देते हैं, देखिए 2 1 जा 2 और यहां से आएगा 2 3 जा 6 और 1 बच गया वो हो गया 17, तो 2 8 जा 16 और कितना बचा 1 2 5 जा 10। तो कितना आ गया देखिए, 810 जो आया वो इक्वल टू आ गया किसके 385 के, ये आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है, ए एन दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू दे रखा है एन इंटू एन माइनस थ्री अपॉन में एन प्लस फोर के इक्वल, ए 18 निकालना है यहां से हमें, तो ए 18 निकालेंगे तो देखिए एन की जगह क्या रख देंगे 18, तो देखिए क्या बनेगा 18 इंटू में 18 माइनस थ्री अपॉन में कितना आएगा 18 प्लस फोर, तो देखिए क्या बनेगा 18 को 18 रखेंगे और मल्टीप्लाई में कितना आएगा 18 माइनस थ्री कितना हो गया 15 के इक्वल, अब डिवाइड में कितना 18 प्लस 4 कितना होता है 22 के इक्वल, ये आ गया। अब यहां से देखिए कैंसिल कर सकते हैं 2 पे, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 के इक्वल, 15 9 जा कितना होता है यहां से आ जाएगा 18 कितना आएगा 15 9 जा 135 और डिवाइड में कितना है 11, तो ये आ गया ए 18 की वैल्यू, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके थर्ड पार्ट पर चल, थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों, ए एन इज इक्वल टू दे रखा है 2 की पावर एन प्लस 1 अपॉन में 3 की पावर एन और यहां से फाइंड आउट करना है क्या ए 3 की वैल्यू, तो देखिए ए 3 निकालेंगे तो ए एन से हम कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ए 3 निकालेंगे, देखिए ए 3 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा एन की जगह हमने रखा 3, तो यहां भी लिखेंगे क्या एन की जगह 3, तो 2 की पावर 3 होगी और प्लस में 1 और डिवाइड बाई क्या कर रहा है 3 की पावर n यानी कि 3 की पावर 3 हो गया, तो यहां से देखिए क्या बनेगा 2 की पावर 3 कितना होता है 8 के इक्वल प्लस में 1 कितना हो गया 9 के इक्वल, लेकिन देखिए नीचे कितना है 3 की पावर 3 कितना होता है वो होता है 27 के इक्वल, तो यहां से देखिए क्या बन जाएगा ये a3 की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी कितनी 9 अपॉन 27, तो यहां से देखिए 9 1 जा 9 9 3 जा 27 तो कितना आ गया 1 अपॉन 3 के इक्वल, ये कितना आ गया 1 अपॉन 3 के इक्वल, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, देखिए क्या दे रखा है an इज इक्वल टू दे रखा है माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू में n की पावर 3 और यहां से हमें फाइंड आउट क्या करना है a7, तो देखिए a7 क्या बनेगा यहां से निकाल लेते हैं, a7 इज इक्वल टू बनेगा देखिए माइनस 1 और n की जगह रखेंगे 7 तो 7 माइनस 1 और यहां करना है n की पावर 3 तो n कितना है 7 तो 7 की पावर 3, तो यहां से देखिए क्या बनेगा माइनस 1 की पावर कितनी बन गई 7 माइनस 1 6 के इक्वल, तो ये बन गया पॉजिटिव 1 तो ये 1 के इक्वल आ गया। अब यहां से देखिए 7 की पावर 3 कितना होता है ये होता है 343 के इक्वल, तो इसका आंसर भी कितना हो गया 343 के इक्वल, a7 जो आ गया वो आ गया कितना 343 के इक्वल, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 3, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, फोर्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, शो दैट द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर जीरो, कह रहा है कि सीक्वेंस की फर्स्ट टू टर्म्स जो निकालेंगे वो जीरो के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, एंड फाइंड a5 और फाइंड करना है a5 टर्म यानी कि फिफ्थ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, व्हेन जब an इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 2 के इक्वल है, तो देखिए यहां से कैसे करेंगे पहले फर्स्ट टू टर्म्स निकाल लेते हैं, यहां पे an क्या दे रखा है an इज इक्वल टू दे रखा है n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 के इक्वल, ये an दे रखा है, तो यहां से फर्स्ट टू टर्म्स निकाल लेते हैं, कह रहे कि वो जीरो के इक्वल आएंगी हमें प्रूव करना है, तो यहां से देखिए फर्स्ट टर्म निकालते हैं a1, तो a1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1, n की जगह 1 रखेंगे 1 माइनस 1 तो कितना हो गया 0, अब जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो आप तो क्या बनेगा वो जीरो के इक्वल बनेगा, देखिए जीरो बन गया मल्टीप्लाई बाई कितना माइनस 1, अब किसी से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो को तो क्या बनेगा जीरो के इक्वल, तो यहां से a1 कितना आ गया जीरो के इक्वल, ये प्रूव हो गया। अब देखिए a2 और निकाल लेते हैं, अब a2 निकालेंगे a2 इज इक्वल टू क्या बनेगा यहां से बनेगा देखिए n की जगह 2 तो 2 माइनस 1 और यहां देखिए n है तो 2 माइनस 2, अब यहां जीरो बन गया तो जीरो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बनेगा, तो देखिए क्या बनेगा ये
यहां से ये बन गया 2 माइनस 1 1 के इक्वल और मल्टीप्लाई में 0। अब 0 किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, वो 0 बनेगा। तो यहां से देखिए 0 बन गया। तो यहां से ये प्रूव करना था, यहां से हमने प्रूव कर दिया। देखिए a1 और a2 क्या आ गए, 0 के इक्वल। अब हमें फाइंड आउट करना है a5 टर्म, यानी कि फिफ्थ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है a5। तो यहां से देखिए क्या बनेगा, यहां से n की जगह हम रख देंगे क्या 5। तो देखिए क्या बनेगा, 5 माइनस 1 इनटू में 5 प्लस माइनस 2, ये हो गया। तो देखिए क्या बनेगा, यहां से 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, मल्टीप्लाई में 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 के इक्वल, 4 3 जा 12। तो देखिए a5 टर्म जो बन गई वो बन गई 12 के इक्वल, फिफ्थ टर्म बनी कितने के इक्वल, 12 के इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इफ ए एन डिनोट्स द जर्नल टर्म, कह रहा है कि यदि ए एन जर्नल टर्म को डिनोट करती है देन राइट द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो कह रहा है कि सीक्वेंस की नेक्स्ट 5 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। गिवन भाई यहां पे देखिए क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में a1 दे रखा है 2 के इक्वल और an इज इक्वल टू दे रखा है an माइनस 1 प्लस 4 के इक्वल। यहां से देखिए n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो यहां से देखिए क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं a2। तो यहां से a2 निकालेंगे तो क्या बनेगा, a2 देखिए an की जगह क्या रख दिया, n की जगह 2। तो यहां से क्या बनेगा, a की नीचे क्या लग, देखिए यहां पे आ गया n की जगह 2 माइनस 1 आ गया और प्लस में कितना करना है 4। तो देखिए क्या बनेगा, 2 माइनस 1 1 के इक्वल, तो a1 बन गया और a1 की वैल्यू दे रखी है और प्लस में कितना कर दें 4। तो यहां से देखिए a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 के इक्वल, 2 प्लस 4 कितना बन गया 6 के इक्वल। तो यहां से देखिए एक टर्म a2 इज इक्वल टू कितनी आ गई 6 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं a3, तो a3 क्या बनेगा, a और यहां आ जाएगा 3 माइनस 1 प्लस में 4। तो देखिए कितना बन गया, 3 माइनस 1 2 के इक्वल, a2 और प्लस में 4 और a2 हमने फाइंड आउट कर लिया कितना है 6 के इक्वल। तो कितना आएगा ये 6 प्लस 4 कितना हो गया, ये बन जाएगा 10 के इक्वल। अब देखिए नेक्स्ट टर्म हम सीधे निकाल लेते हैं a4 कितनी बनेगी, वो बनेगी a3 प्लस में 4 के इक्वल। तो क्या बनेगा, a3 कितना है 10 के इक्वल, तो 10 प्लस 4 कितना बन गया 14 के इक्वल। अब देखिए नेक्स्ट टर्म उससे अगले निकालेंगे a5, तो a5 कितना आएगा, ये आएगा a4 प्लस में 4 के इक्वल, ये आ गया। तो a4 कितना 14 के इक्वल, तो 14 प्लस में 4 कितना हो गया, ये बन गया 18 के इक्वल। अब देखिए a6 और निकाल लेते हैं या फिर हम सीधी लिख देते हैं। देखिए क्या बनी ये टर्म्स, ये बन गए एक तो 6 बन गया, फिर 10 बन गया, फिर आ गया 14 और फिर आ गया 18 और अब कितना आ गया, अब आ जाएगा सॉरी प्लस का निशान लगा दी, अब आ जाएगा सीधा 22 के इक्वल। तो ये नेक्स्ट 5 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए सब में 4 4 4 ऐड हो रहा है, फर्स्ट टर्म दे रखी थी 2, उसके अंदर हमने 4 ऐड किया 6 बन गया, फिर ऐड किया 10 बना, फिर ऐड किया 14 फिर 18 और फिर अब ऐड करेंगे तो 22 के इक्वल, ये हमें फाइंड आउट करना था। अब देखिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों सेम है, यहां से देखिए a1 दिया है 1 के इक्वल और an दिया है यहां पे an माइनस 1 के इक्वल प्लस में 2, ये दे रखा है, इसमें प्लस 2 है उसमें प्लस 4 था। तो यहां से देखिए क्या करेंगे, यहां से a2 निकाल लेंगे, तो a2 कितना आएगा, यहां से ये बन गया कितना a1 बनेगा, देखिए 2 माइनस 1 कितना बनेगा a1 के इक्वल, तो a1 प्लस में 2 के इक्वल ये बनेगा। तो ये देखिए a1 कितना है 1, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 के इक्वल। अब निकाल लेंगे a3 की वैल्यू, तो देखिए a3 क्या बनेगा, यहां से बनेगा a2 प्लस में 2 के इक्वल, तो कितना बनेगा 3 प्लस 2 यानी कि 5 के इक्वल। अब सीधा निकाल लेते हैं, देखिए a4 क्या बनेगा, वो बनेगा 5 प्लस 2 यानी कि 7 के इक्वल, सॉरी 9 लिख दिया, 7 के इक्वल ये बन गया। अब देखिए a5 निकालेंगे तो वो कितना बनेगा, a5 बनेगा कितना 7 प्लस 2 यानी कि 9 के इक्वल। और एक और निकाल लेते हैं a6, तो a6 कितना बनेगा 9 प्लस 2 यानी कि 11 के इक्वल। तो यहां से देखिए क्या सीक्वेंस बनी, ये आ गई 3, फिर आ गया 5, फिर आ गया 7, फिर आ गया 9 और फिर आ गया 11, ये वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों, a1 दे रखा है, a2 दे रखा है, दोनों इक्वल है किसके 2 के, और an दे रखा है an माइनस 1 माइनस 1 के इक्वल। तो यहां से देखिए सेम क्वेश्चन है वैसे ही यहां पे भी, तो यहां से निकाल लेंगे
टू से ऊपर। देखिए ए वन दे रखा है, ए टू दे रखा है, अब ए थ्री निकाल लेते हैं। अब ए थ्री क्या बनेगा, देखिए यहां से ए थ्री इज इक्वल टू बनेगा ए थ्री माइनस वन, यानी कि टू के इक्वल माइनस वन, तो ये बन गया ए टू माइनस वन के इक्वल। और ए टू कितना है, टू, तो टू माइनस वन कितना आ गया, वन के इक्वल। अब यहां से निकाल लेते हैं ए फोर की वैल्यू, ए फोर क्या बनेगा, वो बनेगा ए थ्री माइनस वन के इक्वल। देखिए ए टू बना था ए थ्री का, तो अब यहां से ए फोर का क्या बनेगा, ए थ्री, तो ए थ्री माइनस वन, तो देखिए क्या बनेगा, ए थ्री कितना आएगा वन, तो वन माइनस वन कितना आ गया, जीरो के इक्वल। अब निकाल लेते हैं ए ए फाइव, तो ए फाइव कितना बनेगा, ये बनेगा ए फोर माइनस वन के इक्वल, तो ए फोर कितना आया, जीरो, जीरो माइनस वन कितना आया, माइनस वन के इक्वल। अब निकाल लेते हैं ए सिक्स, तो ए सिक्स कितना आएगा, ए फाइव माइनस वन के इक्वल, तो ये कितना बनेगा, ए फाइव कितना है, माइनस वन के इक्वल, और माइनस वन कितना आ गया, माइनस टू के इक्वल, ये आ गया। अब देखिए एक टर्म और निकाल लेते हैं, तो क्या बनेगी ए सेवन, तो ए सेवन किसके इक्वल होगा, ये होगा ए सिक्स माइनस वन के इक्वल, तो माइनस टू माइनस वन कितना बन गया, ये बन गया माइनस थ्री के इक्वल। अब यहां से देखिए क्या बनी सीक्वेंस, यहां से बन गया वन, फिर जीरो, फिर माइनस वन, फिर माइनस टू, और फिर माइनस थ्री, ये फाइव टर्म्स आ गई और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर फाइव फिनिश हो गया, अब क्वेश्चन नंबर सिक्स पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है दोस्तों, ए सीक्वेंस इज डिफाइंड बाई ए एन, ए एन इज इक्वल टू दे रखा है एन की पावर थ्री माइनस सिक्स एन स्क्वेयर प्लस में इलेवन एन माइनस सिक्स के इक्वल। कह रहा है एक सीक्वेंस जो है ए एन से डिफाइंड होती है और वो ए एन यहाँ पे दे रखा है। कह रहा है कि शो दैट, हमें शो करना है द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस की जो पहली तीन टर्म्स हैं आर जीरो, वो जीरो के इक्वल है, एंड ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव, और उसके बाद की जो टर्म्स हैं वो सारी पॉजिटिव हैं। ये हमें प्रूव करना है यानी शो करना है। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, ए एन दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एन की पावर थ्री माइनस सिक्स एन स्क्वेयर प्लस में इलेवन एन माइनस सिक्स के इक्वल, ये दे रखा है। तो यहां से हम क्या निकालते हैं, ए वन निकाल लेते हैं, तो ए वन इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए फर्स्ट थ्री टर्म्स कह रहा है कि जीरो के इक्वल है, तो यहां से वन निकाल लेते हैं ए वन, तो यहां से क्या बनेगा, वन की पावर थ्री माइनस सिक्स और वन की पावर टू प्लस में इलेवन इंटू में वन और माइनस में सिक्स, तो देखिए क्या बनेगा, यहां से वन की क्यूब कितनी होती है, वन के इक्वल, यहां से देखिए वन का स्क्वेयर कितना होता है, वन के इक्वल, तो माइनस का सिक्स आ गया। अब देखिए इलेवन वन जा इलेवन, तो प्लस का इलेवन आ गया। अब यहां से देखिए कितना है, माइनस का सिक्स। अब देखिए माइनस माइनस वालों को प्लस कर लेंगे, तो सिक्स प्लस सिक्स कितना हो गया, ट्वेल्व के इक्वल, तो माइनस का ट्वेल्व हो गया, और इलेवन प्लस में वन कितना हो गया, ट्वेल्व, तो ये कितना बन गया, प्लस का ट्वेल्व माइनस का ट्वेल्व, और कितना बन गया, जीरो के इक्वल। एक प्लस का एक माइनस का क्या बना, जीरो के इक्वल, तो ये ए वन कितना आ गया, जीरो के इक्वल। अब ए टू निकाल लेते हैं, ए टू कितना आएगा, टू का क्यूब माइनस में थ्री और यहां से टू का स्क्वेयर प्लस में इलेवन इंटू में टू और माइनस का सिक्स। हमने क्या किया, एन की जगह टू रख दिया, तो ये बन गया। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, टू की पावर थ्री कितना होता है, एट के इक्वल, माइनस में सिक्स इंटू टू की पावर टू कितना होता है, फोर के इक्वल, और प्लस में कितना करें, इलेवन टू जा ट्वेंटी टू और माइनस में सिक्स, ये हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, देखिए जो माइनस माइनस वाले हैं उनको हम ऐड कर लेंगे और जो प्लस प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लेंगे, तो क्या बनेंगे, देखिए पहले प्लस वाले लेते हैं, तो 22 प्लस में 8 कितना हो गया, 30 के इक्वल, प्लस का 30 आ गया। अब माइनस वाले देखते हैं, 6 4 जा 24, माइनस का 24 और माइनस का 6 कितना बना, ये बन गया माइनस का 30, तो देखिए माइनस 30 प्लस 30 कितना हो गया, जीरो के इक्वल। ये ए टू भी आ गया जीरो के इक्वल। अब ए थ्री देख लेते हैं, ए थ्री क्या बनेगा, यहां से एन की एन पे क्या रखेंगे, एन की जगह रखेंगे थ्री, तो थ्री की पावर थ्री हो गया, माइनस में सिक्स और थ्री की पावर टू हो गया, प्लस में इलेवन इंटू में थ्री माइनस में सिक्स, ये बन गया। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, थ्री की पावर थ्री कितना होता है, 27 हो गया। अब थ्री की पावर टू कितना होता है, नाइन के इक्वल, और नाइन सिक्स 54, तो माइनस का 54 आ गया यहां पे। अब देखिए प्लस का कितना आएगा, 11 3 जा 33 के इक्वल, और माइनस का कितना है, 6।
अब क्या करेंगे, जो माइनस वाले उनको ऐड कर लेंगे अलग से और जो प्लस वाले उनको अलग से ऐड कर लेंगे। तो अब यहां से प्लस वालों करते हैं पहले, तो कितना बनेगा देखिए, 30 प्लस 30 कितना हो गया 60 के इक्वल, और ये माइनस का 54 माइनस का 6 कितना हो गया माइनस का 60। अब देखिए माइनस का 60 प्लस का 60 दोनों हो गए कैंसिल, क्या आ गया 0 के इक्वल। अब यही प्रूव करना था हमें, जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो कितने इक्वल आएंगी 0 के इक्वल आएंगी। अब निकाल लेते हैं A4, तो A4 देखिए क्या बनेगा, 4 की पावर 3 कर देंगे, माइनस में 6, 4 की पावर 2 करेंगे और प्लस में 11 × 4 और माइनस में 6। अब यहां से देखिए क्या बनता है, 4 की पावर 3 कितना होता है 60, 4 के इक्वल, माइनस में देखिए 4 × 4 = 16, 4 की पावर 2 हो गए 16 और 16 × 6 = 96 ये हो गया। अब प्लस में देखिए 11 × 4 = 44 और माइनस में 6 हो गया। अब यहां से देखिए इसको सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, माइनस माइनस वालों को और प्लस प्लस वालों को, तो ये बनेगा देखिए 68 और 40 108, ये बन गया 108 के इक्वल और माइनस में कितना बनेगा, ये बनेगा 102 के इक्वल, 102 बन गया। तो ये कितना बनेगा देखिए, यहां से बनेगा दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ये आ गया 6 के इक्वल, तो ये पॉजिटिव आया है। अब देखिए A5 और निकाल लेते हैं, A5 क्या बनेगा, यहां से 5 की पावर 3 हो जाएगी और माइनस में 6 और 5 की पावर 2 प्लस में 11 × 5 माइनस में 6, तो क्या बनेगा देखिए, 5 की पावर 3 होता है 125 के इक्वल, फिर देखिए माइनस का साइन है तो 5 × 5 = 25, 25 × 6 = कितना होता है 150, तो माइनस का 150 और प्लस में देखिए 11 × 5 तो 11 × 5 = 55, यह आएगा कितना 55 के इक्वल और माइनस में कितना है 6। अब माइनस माइनस वालों को प्लस कर लेंगे और प्लस प्लस वालों को प्लस करेंगे, तो देखिए प्लस का जो प्लस प्लस वालों को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 180 के इक्वल, क्योंकि 130 प्लस में 50 180 हो गया। अब देखिए माइनस में माइनस वालों को करेंगे तो कितना आएगा 156 के इक्वल। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा, तो ये बनेगा देखिए 60 और 20, ये बन गया देखिए 24 के इक्वल। तो यहां से देखिए पहले कितना आया था 6 आया, फिर पॉजिटिव का 24, अब बढ़ता ही जा रहा है पॉजिटिव की तरफ। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, जो नेक्स्ट टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, सारी पॉजिटिव होंगी। तो यहां से ये प्रूव हो गया, यहां से हमने शो कर दिया। तो ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 का। आज की इस वीडियो में इतना ही, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं, पहले बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।